अमृत नगर के नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या कहा, सुनिए आप तफसील में। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद एक पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि जो आज के तारीख में हालात है मुमरा कौसा के या पूरे देश के कहा जाए तो शायद ही गलत नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी परेशान है। इसी चीज को लेके जो अमृत नगर नसीम बाग हॉल के अंदर उस एरिया के नगर सेवक है जफर रुमानी, आज जो है कुछ थाना और टीएमसी के जो आला अधिकारी हैं बड़े उनसे जाके मुलाकात की और कुछ मुद्दों पर जो है उन्होंने अपना ये कह रखा, जैसे कि राशन के लिए है या जो लोगों का जैसे कि कालसेकर हॉस्पिटल में आज 10,000 रुपया एक आदमी का जो है ये चेकअप का लिया जाता है और सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि 70,000 से 80,000 रुपए डिपॉजिट लिया जाता है, क्योंकि उसको जो है कोरोना पॉजिटिव का एक ये बना दिया गया है, सेंटर बना दिया गया है। तो इतना एक रकम लोग लाएंगे कहां से? इसी वजह से जो है आज जो नगर सेवक है जफर रुमानी साहब उन्होंने आज आवाज उठाई है और कुछ जो है आला अधिकारी जो है उनसे कुछ अपना मांग रखा है। आइए सुनिए कि क्या कहा है उन्होंने और उनकी जबानी सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने मांग उठाया है। दूसरी ये न्यूज के जरिए से उन्होंने एक अपील भी किया है और मैं भी ये न्यूज के जरिए से ये अपील करता हूँ कि जितने भी नगर सेवक मुमरा कौसा के अंदर है या जितनी भी संस्थाएं हैं जो एनजीओ जो लोग चलाते हैं, हर आदमी जो है एक अपने शहर के लिए और आगे बढ़कर आवे और अपना अपना लेटर इस मांग के लिए, क्योंकि ये हक है गरीबों का और आपका काम भी है ये चीज करना, आगे बढ़ के आना। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि ये बादशाह होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी अमीर और गरीब और फकीर का सबकी होती है। आइए सुनिए कि क्या कहा जफर रुमानी ने और किस तरीके से कलेक्टर से मिल के आए और कमिश्नर से मिल के आए, क्या उन्होंने पूरा जानकारी दी है। जफर भाई, आज मुमरा कौसा के एक नगर सेवक के नाते आपने थाने मनपा आयुक्त विजय सिंगल और थाने के कलेक्टर राजेश नार्वेकर इन दोनों से मुलाकात की, कुछ मुद्दों पर बात की, कोविड महामारी के इस बीमारी के इलाज के ताल्लुक से और गरीबों का राशन के ताल्लुक से। तो क्या मांगे थी आपकी, क्या मुद्दे थे और क्या रिस्पांस मिला आपको दोनों कलेक्टर और आयुक्त से? सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी जो रूपाली गोटे मैडम जो नगर सेविका है, हम उनके साथ वहां पर गए थे कलेक्टर साहब के पास और हमने उनको एक पत्र दिया और हमने कहा कि जो रूपाली मैडम का एरिया है, जो पहाड़ का एरिया है, बहुत गरीब बस्ती है और वहां मागेश्वर के लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको राशन दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कम्युनिटी किचन है तो आपको हम राशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं तमाम नगर सेवकों से और तमाम एनजीओ से कि जिनके जिनके पास कलेक्टर साहब ने कहा है कि जिनके जिनके पास संस्था है और कम्युनिटी किचन चलाना चाहते हैं, वो मुमरा में ट्रैफिक पुलिस के बाजू में जो जिला अधिकारी की ऑफिस है, तलाटी ऑफिस जो है, वहां पर जाकर के लेटर दें और आपको राशन मिलेगा। ये रही एक बात। दूसरा, मैं टीएमसी कमिश्नर साहब को भी मुलाकात किया और मैंने उनको एक लेटर दिया हूँ। लेटर में मैंने ये लिखा है कि सर, जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका न्यूयॉर्न हॉस्पिटल जो डोंबिवली रोड पर है, वो रोड पर वो उसके अंडर में जो लोग भी रहते हैं, उसकी हद में जितने लोग भी रहते हैं, उनका इलाज कोरोना का फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है। तो हमारे यहाँ मुमरा में कालसेकर हॉस्पिटल का जब कोरोना के लिए दिया गया तो मुमरा कोसा के आवाम में खुशी की लहर पैदा हुई कि शायद अब हमको थाना ना जाकर के मुमरा में जाना पड़ेगा और मुमरा में हमारा एक इलाज होगा। और जो कालसेकर हॉस्पिटल है उसमें महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना है जिसके तहत फ्री में इलाज हो सकता है। जब केडीएमसी अपने लोगों का फ्री में इलाज कर सकती है तो मुमरा जो हमारी टीएमसी है थाने महानगर पालिका उनका फ्री में इलाज क्यों नहीं कर सकती? उसी तरीके से एक आपको एक चीज और बता दू, जो हॉस्पिटल के चार्ज हैं, चाहे वो कालसेकर हो, चाहे वो हॉरिजोन हो, चाहे जो भी थाना के जितने भी हॉस्पिटल जिसको महानगर पालिका ने अपने अंडरटेकिंग में लिया है, वो लोग एक पेशेंट का पर डे का 10,000 रुपया चार्ज करते हैं। बट अगर उनकी फैमिली के चार लोग एडमिट है तो 40,000 रुपया पर डे का और उसकी डिपॉजिट है 70,000 से 80,000 रुपए। ये डिपॉजिट है
तो मेरी आप लोगों से, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो रहा, उसी तरीके से महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना में इनका भी, जितने भी कोरोना के पेशेंट है जो अंडरटेकिंग में है महानगर पालिका के और महाराष्ट्र सरकार के, क्योंकि हमारे जो बेहतरीन चीफ मिनिस्टर माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब और राजेश टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है, ये बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट और कोरोना का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जाए। तो जिनके पास ऑरेंज और येलो कार्ड है, ऑरेंज और येलो कार्ड जिनके पास है, जो महात्मा भाई ज्योति फुले योजना में जो लोग आते हैं, उनका इलाज तो फ्री में हो सकता है, उनको करिए। और जिनके पास व्हाइट कार्ड भी है, जो पेशेंट, मैं बोलता हूँ कोई भी पेशेंट हो, आज लोगों के हालात ऐसे कि लोग खाने से मोहताज है, एक एक दाने को मोहताज है, लोग बेहद परेशान है। अगर उनका इलाज, जब महाराष्ट्र सरकार बार बार ऐलान कर रही है तो पर डे का 10,000 रुपया किस बात का लिया जा रहा है, मेरा एक सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कालशेखर हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल जो पैसा ले रहे हैं पर डे का 10,000 रुपया, इनको महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करना चाहिए और करना पड़ेगा। मैं तमाम नगर सेवकों से, तमाम एनजीओ से, तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम लोग कलेक्टर और कमिश्नर को जाकर के मिले और हो सके तो अपना अपना लेटर एक एक बनाए, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब को एक एक लेटर ईमेल करें कि सर इस तरीके की शहर में परेशानी चल रही है, लोग खाने को मोहताज है और एक एक पेशेंट से 10,000 रुपया लिया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे शहर में जो लोग भी अपना टेस्ट कराते हैं प्राइवेट तरीके से, उसमें दो लैब वाले आते हैं, एक इनफेक्ट और एक थायरो, जो पर पेशेंट का 4,500 रुपया चार्ज करते हैं उसका टेस्टिंग के लिए। अरे भाई, 4,500 रुपया टेस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लूटम लाट मचाए हो क्या, कहां से गरीब आदमी देगा। तो मैं मुमरा के लैब वालों से बोलना चाहता हूं कि जो मुमरा में बड़े बड़े लैब हैं, वो लैब वालों को आगे आए और वो फ्री है, वो अपना एक नॉर्मल चार्ज रखे, मैं बोलता फ्री में नहीं कर सकते तो एक मामूली नॉर्मल चार्ज रखे। आप पूरे साल मुमरा के लोगों से पैसा कमाते हो, उनसे अपनी रोजी रोटी चलाते हो, आज आप कहां से कहां पहुंच गए। मैं 2-3 लैब मेरे जहन में बात है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो तमाम लैब को आगे आना चाहिए और वो लोग भी जिस तरीके से, अगर कोई फ्री आप कोई कोरोना का टेस्ट कराना चाहता है तो भाई वो उनके घर पे, आप जिस तरीके से दूसरे लैब वाले बाहर से आकर के 4,500 रुपया चार्ज करें, आप एक नॉर्मल चार्ज रखिए, वो लोग आप उनके घरों पे जाइए और टेस्ट करवाइए, ताकि आप मुमरा वालों को, ये मौका है, पहला मौका आया है आपको खिदमत करने का, पैसा तो आप जिंदगी में बहुत कमाएंगे लेकिन ये पहला मौका आया है आपको खिदमत करने का, आप लोग बढ़ करके आगे आइए। मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब से, राजेश टोपे साहब से और हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे पीएमसी के कमिश्नर साहब से और हमारे लाडले एमएलए माननीय जितेंद्र अहवाड़ साहब से, भाई साहब से और शमीम खान साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी अपने अपने तरीके पर इसको आवाज उठाएं। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।